दिन भर बंद खोली में रहना ये नपुंसकत्व का कारण हो सकता है। इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं, आठ आठ नौ नौ घंटे बंद खुली में रहते हैं, जाएंगे तो कार में जाएंगे, वो बंद कार में जाएंगे, उतरेंगे बंद खुली में चले जाएंगे, घर आने के बाद में घर में बंद, छुट्टी के दिन भी घर में बंद, तो होता क्या है? जब आप सात आठ घंटे सो रहे हैं, आठ नौ घंटे ऑफिस में हैं, बाकी घर में अंदर बैठे हुए, तो आपको सूरज की रोशनी मिलती नहीं है, जिसमें विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो नहीं मिल रहा है। और दूसरा, नेचुरल ऑक्सीजन जो है, नेचुरल हवा जो है, वो नहीं मिल रही है। वैसे आप जब घंटों बैठते हैं तो आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, बैठक है, घंटों तक बैठ रहे, तो इसमें होता क्या है कि जो भी खाया तो उसमें जो शुगर है उसका प्रमाण जो है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि शुगर आप बैठक में क्या होता है कि आदमी कुछ नहीं काम कर रहा है, खाते जा रहा है। अब शुगर ज़्यादा हो गई तो शुगर को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन आता है। अब इंसुलिन को बार बार आप काम को बुलाएंगे तो नेचुरली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो शुगर और बढ़ गई और उससे होता है डायबिटीज। तो एक तो विटामिन डी नहीं मिल रहा है, माइंड आपका फ्रेश नहीं है, फ्रेश हवा भी नहीं आ रही है, शुगर बढ़ रही है, डायबिटीज हो गया है। और जब माइंड, मतलब आप घर में है, काम में है, ऑफिस में है, काम में है, टेंशन है, तो नेचुरली दिमाग भी फ्रेश नहीं है, तो इससे फिर डायबिटीज और बाद में उसके साथ साथ नपुंसकत्व का धोखा हो सकता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि जो भी बैठा काम कर रहे हैं, घंटों तक बैठ रहे हैं, उन्हें एक साथ न बैठते हुए खड़े रहना है, थोड़ा चलना है, या आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप ऊंचा टेबल ले लो जहाँ आप खड़े रह के काम कर सक रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, ताकि आप खड़े खड़े हलचल कर रहे, डोल रहे इधर उधर, दूर के टॉयलेट में जाएँ, वॉशरूम में दूर का लेना, ताकि उतना चलना आपका हो जाएगा, घर में भी दूर के टॉयलेट में जाएँ, घर में भी काम कर रहे हैं तो स्टैंडिंग टेबल जो है, मतलब स्टैंडिंग टेबल करना चाहिए, टेबल इसके सामने आप खड़े रह के पूरा काम कर सकते हैं, तो इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा, हलचल रहेंगी और जो खाया हुआ है वो डाइजेस्ट रहेगा। और वैसे भी आपको बाहर जाना है और ये सब नहीं होता है तो सीधा सीधा विटामिन डी जो है उसका सेवन करना है, ऊपर से रेगुलर एक्सरसाइज करना, कम शुगर खाना, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए, जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है, डायबिटीज़ होता है, तो उससे नपुंसकत्व आता है, वो तो एक ही बात है। और दूसरा, बैठक करना, हवा, नेचुरल हवा नहीं लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो उसका भी असर सेक्स लाइफ पर होता है और बाद में नपुंसकत्व आ सकता है। तो ये सभी चीज़ डालना है, तो आपको खड़े रह के काम करना है, एक्सरसाइज करना है, सूरज की रोशनी लेना है, प्रकाश लेना है, ताकि आपको विटामिन डी मिले, और नहीं तो फिर बाहर से विटामिन डी का सेवन करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म के भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।